Hey, hello, hi guys, it's me, Annie. जी हाँ दोस्तों, Guardians of Galaxy का थर्ड ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इस ट्रेलर की 40% फुटेज पिछले ट्रेलर से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारी गई है, बट हम फिर भी खुश हैं क्योंकि हमें पापा ईगो देखने मिले। और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो मैंने ये चीज एक हफ्ते पहले ही रिवील कर चुका था। बस कर ली मैंने अपनी तारीफ, अब ट्रेलर को तोड़ मरोड़ के अपने कुछ काम की चीजें ढूंढते हैं। तो यार, ये जो खूबसूरत सी जगह है उसका नाम है एनक्लेव प्लैनेट, जहां मूवी के मेन विलेन जो कि आयशा है उसके लोग रहते हैं। और यही गार्जियंस को हायर करते हैं इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिसका नाम है एबोलिस। और इस मॉन्स्टर की शक्ल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के विलेन से काफी कुछ मिलती जुलती लग रही है। इस मूवी में ईगो द लिविंग प्लैनेट के विलेन होने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार वो हीरोज के साथ मिलकर काम करता है बट कभी कभार उनके खिलाफ। ईगो द लिविंग प्लैनेट का सबसे पहला डेब्यू थॉर की कॉमिक्स में हुआ था, और थॉर को हायर किया गया था इसे मारने के लिए किसी और एलियंस के द्वारा। बस ये एक दूसरे की सुपारी लेते रहते हैं। और इस शॉट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टारलॉर्ड के हाथ में है, वो रियलिटी में 1970 का एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम था। जैसे अपने पास ये वाला था ना, वैसे उनके पास वो। ट्रेलर देखते समय मैं सोच रहा था ये स्टारलॉर्ड्स की शर्ट पे लिखा क्या है, और इंटरनेट पे काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये बेबी नहीं, गियर शिफ्ट लिखा है। और फिर इन शॉट्स में दिखाया गया है कि यांडू, जो कि गार्जियंस के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, और यही बात रेवेंजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तभी ये जो ग्रुप है वो अलग अलग हो जाते हैं। यांडू गार्जियंस के साथ चला जाता है और टेजर फेस रेवेंजर्स का नया लीडर बन जाता है। फिर स्टार लॉर्ड्स का हम आपके हैं कौन और दिलवाले वाला रोमांस सीन। जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इससे ज्यादा कलरफुल मूवी कोई हो सकती है, बट यार ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे है और काफी सुंदर लग रहे हैं सारे कलर्स। मतलब पूरा कलर डाल दिए, लो तुम सारे कलर लो। और सबसे ज्यादा मजा तो इस ट्रेलर के एंड में आता है, जब स्टार लॉर्ड्स अपने ही पापा से पूछता है कि हू द हेल आर यू। इंडिया में इस चीज का जवाब तो ऐसा ही मिलता है। तो बस यार इतना ही ढूंढ पाया मैं इस ट्रेलर से, बाकी मैक्सिमम चीजें तो सारी सेम ही थी फर्स्ट ट्रेलर की जितनी। और यदि आपको इस मूवी के बारे में और जानना है तो मैंने इसका फर्स्ट ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन करा है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वो। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।